ऑन रोड ना हाईवे की बात कर रहा हूँ, 20-20 प्लस आराम से देगी गाड़ी आपको जी, क्योंकि 1200 सीसी का इंजन है चार सिलेंडर के साथ जी, जी, और जी। पंच में आप जैसे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं इसका तीन सिलेंडर आता है पंच में जी। चलो बंद करो भाई, एसी ऑफ। डू यू वांट टू टर्न ऑफ द एयर कंडीशनिंग एंड क्लाइमेट? यस यस। टर्निंग ऑफ ऑल क्लाइमेट कंट्रोल्स इंक्लूडिंग एयर कंडीशनिंग। ओके, मतलब मल्टीपल कमांड भी ये ले सकता है जैसे। थोड़ा सा यार मैं अपराइट बैठा हुआ, मुझे बोनट इसका नजर आ रहा है, जो चीज मुझे काफी अच्छी लग रही है, बोनट नजर आ रहा है तो थोड़ा सा चलाने में भी कॉन्फिडेंस आता है। बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जो अंदर की भी वीडियो रिकॉर्ड करता है और बाहर की भी रिकॉर्ड करता है। मार्केट में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो क्या इसमें रिकॉर्डिंग होती है, तो अपन शो कर सकते हैं कि भैया अपनी गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती। जी जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे चैनल आरपी कार व्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ जिसने मिडिल क्लास फैमिली की इज्जत बढ़ा दी है, एंड एक ऐसे प्राइस में गाड़ी लॉन्च हुई है ना कि आप लोग अगर ऑल्टो में 1-1.5 लाख रुपए और मिलाते हैं तो आप लोगों को इतनी शानदार एंट्री लेवल एसयूवी देखने के लिए मिल जाती है। आज हमारे पास है ह्यूंडई की एक्सर, बेसिकली ये टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन बहुत सारे जो फीचर है ना यार इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ, तो फ्रंट से यार थोड़ी बहुत एसयूवी जैसी लगती है, लेकिन जो इसका अप्रोच एंगल है ना, बस मुझे उससे थोड़ी दिक्कत थी कि यार थोड़ा सा अगर और ऊंचा हो जाता तो इससे आप लोग ऑफ रोड भी कर सकते थे, लेकिन बेसिकली ये नियोस के ऊपर एक तरीके से बनाई गई है, तो नियोस से यार काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन 40,000 रुपये आपको नियोस में ऊपर देना पड़ेगा तब जाके आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिलती है। एक्सशोरूम प्राइस की बात करूँ तो बेस मॉडल आ जाता है 6 लाख रुपये से शुरू, जो 7 लाख के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये टॉप एंड वेरियंट है, आपको 9.5-10 लाख के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको इसके DRL मिलते हैं एच शेप में, जो काफ़ी शानदार लगते हैं। इसी के पीछे आपको इसके येलो बल्ब्स मिल जाएंगे देखने के लिए, बाकी ये जो एच शेप DRL है ये आपके व्हाइट में चलते हैं। नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा लोगो मिल जाता है, एंड ये Hyundai का नया स्माइली लोगो, बाकी ग्रिल वगैरह इसकी काफ़ी शानदार लगती है, एंड थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक लुक इसको प्रोवाइड करवाती है। ग्राउंड क्लियरेंस तो बेसिकली 185 mm है, लेकिन अप्रोच एंगल की वजह से थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन अगर मैं आपको साइड से दिखाऊँ तो साइड से आपको काफ़ी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। एंड ये गाड़ी बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्हें एक सिटी ड्राइव के लिए गाड़ी चाहिए, मोस्टली 90% लोग ऐसे हैं जो SUV ले तो लेते हैं लेकिन उसको सिटी में ही चलाते हैं, कभी भी आप लोगों ने उन्हें ऑफ रोड करते काफ़ी कम ही देखा होगा, लोग थार तक को सिटी में चला रहे हैं भाई, ये तो फिर भी एक्स्टर है और एक 7 लाख के अंदर आने वाली गाड़ी है। बाकी इस साइड से देखेंगे तो आपको टायर मिल जाते हैं 15 इंच के, लेकिन जो इसका बेस मॉडल में उसमें आपको 14 इंच के टायर देखने के मिलेंगे, यहाँ पर आपको 10 इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ये कलर यार काफ़ी शानदार उठ के दिख रहा है, थोड़ा सा मैट मैट भी लगता है, थोड़ा सा आपको शाइन भी करता है। पीछे से आपको दिखाएं तो कोई पार्शियलिटी नहीं हुई है, आपको यहाँ पे भी एस शेप इसके बैकलाइट मिल जाती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा का लोगो मिल जाता है, एंड पीछे से भी यार गाड़ी काफ़ी शानदार मिलती है। टॉप एंड मॉडल में आपको बैक वाइपर भी देखने के लिए मिल रहा है, ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी दिए हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी पंच से थोड़ी सी ऊँची लगती है। बेसिकली इसका जो सेगमेंट है पंच के कंपेरिजन में इस गाड़ी को लेके आया गया है। कीलेस एंट्री का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आप लेके चलता हूँ आपको गाड़ी के अंदर, एंड दिखाता हूँ अंदर से कैसे मिलती है। इसीलिए गाड़ी के अंदर जाने से पहले आपको गाड़ी की की दिखाता हूँ। ये गाड़ी की है जिसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी गाड़ी को करते हैं अनलॉक, बाकी अनलॉक नहीं भी करते तो इसमें आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी आपके हाथ, चाबी आपके हाथ में, तो आप इसे प्रेस करेंगे तो गाड़ी देख सकते हैं लॉक हो चुकी है, एंड जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ तो गाड़ी अनलॉक हो चुकी है, एंड इसके अंदर हम जा सकते हैं। बाकी स्पेस इस गाड़ी में ठीक ठाक आपको मिल जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ है इसका हेडरूम, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि टॉल बॉय डिज़ाइन पे गाड़ी बनी हुई है तो आप लोगों को हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है। डैशबोर्ड दिखाऊं तो आपको नियोस की याद आएगी, लेकिन यार काफ़ी महंगा तामझाम इसमें किया गया है। आप लोगों को अंदर बैठ के दिखाता हूँ, बेसिकली गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, एक सेकेंड अंदर बैठते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है पुश स्टार्ट बटन का बटन, तो उसको दबाते हैं एक बार, तो गाड़ी का एक बार AC चालू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी का AC चालू चुका है, और प्रॉपर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कैप्चर देखने के लिए मिल जाता है। एंड ये जो टच स्क्रीन सिस्टम आपको मिल रहा है ना दोस्तों, ये बेसिकली एंट्री लेवल गाड़ियों में मिलता नहीं है देखने के लिए, ये जो वेन्यू क्रेटा वगैरह आती है ना कॉम्पैक्ट SUV उनमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ देखेंगे तो आप लोगों को इसका IRVM मिल जाएगा, साथ ही साथ जो मेन इसकी हेडलाइन है वो है इसका सनरूफ, एंड ये बेसिकली इलेक्ट्रिक सनरूफ है जो आपकी वॉइस से भी कंट्रोल होता है, एंड बहुत सारे इसमें वॉइस कमांड वाले फीचर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, फैन स्पीड बढ़ा दो, सेटिंग द फैन स्पीड टू लेवल 4,
सिर्फ मैंने उसे इतना ही बोला है कि फैन स्पीड बढ़ा दो, तो उसने फैन स्पीड अपने आप बढ़ा दिया है। तो बहुत सारे ऐसे कमांड जिसमें आप चेक कर सकते हैं। एंड यार ये काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है। टच स्क्रीन जिसका प्लेयर है ये भी काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ इसकी MID दिखाऊं तो प्रॉपर आपको डिजिटल कंसोल मिलता है। एंड इस साइड आप लोगों को मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन। यहाँ आप अपने वीडियो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो आप अपने वाईफाई वगैरह कंट्रोल सकते हैं। एंड ऑटो प्रोजेक्टर ऑटो रेडी का भी आपको इसमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। चारों पावर विंडो तो आपको बेसिक मिलते हैं। वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। बात करूं इसके अगर बेस मॉडल की तो बेस मॉडल में आपको AC हीटर और म्यूजिक प्लेयर वगैरह सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड सबसे मेन चीज, 6 एयरबैग आपको बेस मॉडल में ही देखने के लिए मिलने वाले हैं ABS EBD के साथ। तो यार ये इस गाड़ी को काफी ज्यादा सेफ बनाता है। एंड मारुति क्लेम करता है कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है पहले से काफी अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी अगर थोड़ा बहुत एक्सीडेंट दिखाऊं आप लोगों को इसमें, तो आपको ब्लू व्हाइट और ये जो खाकी कलर की गाड़ी है ना, इस पे आपको एक्सीडेंट देखने के लिए मिलने वाले हैं जो काफी अच्छे बनाते हैं गाड़ी को। वायरलेस चार्जिंग आपको टॉप एंड मॉडल मिल जाएगी। एंड टॉप एंड मॉडल भी यार इतना महंगा नहीं है। अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं ना, तो 9.5 लाख के आसपास आपको इसका SX ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। एक बार इसका सनरूफ ओपन करा के दिखाता हूँ। तो सनरूफ भी यार काफी वाइड है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल छोटा सनरूफ है। तो बच्चे हैं, यहाँ से निकल सकते हैं, मैं भी निकल सकता हूँ, लेकिन बेसिकली इनको बच्चों के लिए रहने देते हैं, बंद करते हैं इसे क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, पूरी कूलिंग बार चली जाएगी। सीट्स की बात करें तो यार सीट्स इसकी काफी अच्छी लगी है मुझे देखने में। सीट्स वगैरह सेमी लेदरेट है, यानी कि आपको 50% लेदर मिलता है, 50% आपको फैब्रिक मिलता है देखने के लिए। तो ये चीज काफी अच्छी बनाती है। सीट की लाइफ भी काफी अच्छी है और काफी चौड़ी चौड़ी सीट है। अगर आप पतले लंबे कोई भी हो, आप इजिली इसमें बैठ सकते हैं। क्लाइमेट वार्निंग आपको AC मिल जाता है और नॉर्मल में आपको जो नॉर्मल AC होता है वो देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी गाड़ी पूरी सेम मिलती है। सेफ्टी फीचर आपको जो है वो बेस मॉडल में भी अच्छे मिल जाते हैं। टॉप एंड मॉडल में आपको हिल स्टार सीट मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। तो ये 2-3 चीज फीचर है जो आपके टॉप एंड मॉडल में बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप बेस मॉडल में जाते हैं तो जो 7 लाख के आपको अंदर पड़ता है तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। बाकी पीछे आप लोग बैठने पर रियर AC भी मिल जाता है। एंड यार सीट मैंने कोई एडजस्ट नहीं की है, अभी भी मुझे काफी अच्छा इसमें लेगरूम देखने के लिए मिल रहा है। भाई एक बार बैठ के दिखा सकते हैं, देखो आराम से बैठे हो भाई। हाँ। कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, उसके से चला सकते हैं गाड़ी जी। सनरूफ की वजह से थोड़ा सा रूमी लगता है। विंडो का जो साइज है उसे भी काफी अच्छा दिया। जैसे मैं पीछे के विंडो देख रहा हूँ तो काफी ज्यादा ग्लास स्पेस दिया, जिसकी वजह से गाड़ी काफी ओपन लगती है भाई देखने में। सनरूफ खुलने के बाद तो और अच्छी लग रही है। एंड यार लेग रूम काफी अच्छा है, मुझे तो काफी अच्छा लगा है। एंड जगह जगह पे आपको ये पैटर्न मिल जाते हैं, जैसा कि आपको डैशबोर्ड में भी देखने के लिए मिल रहे थे, जो इस गाड़ी को थोड़ा यूनिक बनाते हैं। बाकी ये वॉइस कनेक्टिविटी के लिए आपको यहाँ मिलता है। आप एक फीचर बता रहे थे कनेक्टेड वाला, ये कनेक्टेड ब्लू लिंक का जो ऑप्शन आता है, ब्लू लिंक अपनी कार से कनेक्ट हो जाता है फोन जी। जो आप गाड़ी लेकर इसमें रजिस्टर्ड होते हैं 3 नंबर, अगर आप गाड़ी लेकर कहीं ड्राइवर आपका जा रहा है तो आप उसकी लोकेशन वगैरह देख सकते हैं, फ्यूल देख सकते हैं, कैसा एवरेज दे रही है गाड़ी, बिहेवियर कैसे चला रहा है गाड़ी, कैसा एवरेज आ रहा है, ये सारी चीजें ट्रेस कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको घर बैठ के मिल जाती है, जिससे सेफ्टी बढ़ जाती है। जी जी, सेफ्टी फीचर का बहुत अच्छा है इसमें। 60+5 फीचर्स आते हैं इसमें, जैसे कि आप अपने फोन पे 3 नंबर कनेक्टेड है, अगर ड्राइवर कहीं लेकर जा रहा है, आपको लोकेशन देखना है तो आप लोकेशन देख सकते हैं। स्पीड अलर्ट भी आता है, अगर 100 पे आपने स्पीड इसको सेट करके रखी है, अगर 100 से कोई ओपन लेकर जाता है अगर गाड़ी को, तो आपके फोन पे मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आता है। 100 को और ऊपर लेके जाता है, 20 लेके जाता है, 120, तो आपको लगातार बीप के टाइप पे मैसेज आने लगेंगे। एक वार्निंग आता है कि आपकी गाड़ी में ओवर स्पीड की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी स्टेबिलिटी तो अच्छी है इस गाड़ी में, क्योंकि AC भी मिल जाता है देखने के लिए। लेकिन ये जो गाड़ियां होती है ना, बेसिकली आप 80-100 तक चलाते रहेंगे तो सिटी में आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके माइलेज के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा माइलेज देगा, 80-70 के करीब चलाएंगे तो आपको ऑन रोड ना, हाईवे की बात कर रहा हूँ, 20+ आराम से देगी गाड़ी आपको जी। क्योंकि 1200 CC का इंजन है 4 सिलेंडर के साथ जी जी और जी। पंच में आप जैसे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, इसका 3 सिलेंडर आता है पंच में जी, वो नॉइज भी ज्यादा करता है जी, नॉइज आती है इसमें, केबिन नॉइज आपको बिल्कुल नहीं आएगी। एक्सीलेटर भी दूंगा मैं, फिर भी केबिन में नॉइज नहीं आएगा। एनविच लेवल गाड़ी के बहुत अच्छे हैं, आप अगर अंदर बैठ जाते हो ना तो बाहर की कोई नॉइज इतनी खास मुझे आ नहीं रही है। इंजन का नॉइज भी नहीं आ रहा बेसिकली, वो तो AC अपन फुल करके चला रहे हैं। फुल से ज्यादा एक वॉइस कमांड का फीचर चला के दिखाओ ना भाई, वॉइस कमांड चलता कैसे बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। AC ऑन, नहीं AC तो ऑन है बेसिकली, इसको ऑफ करके बताओ। टर्निंग ऑन एयर कंडीशनिंग, ये तो ऑन है। अच्छा, और तेज कर दिया मैंने, तेज कर दिया। चलो बंद करो भाई, AC ऑफ। डू यू वांट टू टर्न ऑफ द एयर कंडीशनिंग एंड क्लाइमेट? यस यस। टर्निंग ऑफ ऑल क्लाइमेट कंट्रोल्स इंक्लूडिंग एयर कंडीशनिंग।
ओके मतलब मल्टीपल कमांड भी ये ले सकता है जैसे कि हाँ उससे आपसे कंफर्मेशन भी लेता है। दोस्त लोग बैठे आते हैं ना मजाक मस्ती बंद करने वाले हैं तो एक बार वो पूछेगा बंद करूं कि नहीं करूं, नहीं करूं। तो ये चीजें यार काफी अच्छी मिल जाती हैं देखने में। माइलेज भाई बता रहे हैं 20 प्लस देने वाली है क्योंकि BS6 फेज 2 वाली जो गाड़ियां है ना उन्हें इतने अच्छे से ट्यून किया गया कि उसमें जो सेफ्टी फीचर है वो इंक्रीज हो गए हैं एंड माइलेज काफी अच्छा मिलता है। एंड मैंने आपको डैश कैम नहीं दिखाया, बेसिकली एक ऐसा डैश कैम है जो अंदर की भी वीडियो रिकॉर्ड करता है और बाहर की भी रिकॉर्ड करता है। बिल्कुल, इसमें कार्ड लगा होता है 32 GB का जो आपको सारी रिकॉर्डिंग स्टोर करके रखता है। जी जी जी। जैसे भी अपन लॉन्ग में हाईवे में कभी जाते हैं या मार्केट में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो क्या इसमें रिकॉर्डिंग होती है तो अपन शो कर सकते हैं कि भैया अपनी गलती नहीं थी सामने वाले की गलती। जी जी जी। ये रिकॉर्ड होता है। मेरे ख्याल से गाड़ियों को ना ऐसे फालतू फीचर को थोड़ा कम देना चाहिए और ऐसे फीचर को ज्यादा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इससे उनकी सेफ्टी को लेकर बहुत अच्छी चीज है ये। जी जी जी। एंड इस बार Hyundai क्लेम करता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी और अच्छी आने वाली है, तो देखते हैं NCAP में क्या रिजल्ट आते हैं। बाकी हमें तो लगता है कि मैं काफी टाइम से Hyundai की गाड़ी यूज कर रहा हूँ। आपको एक रिसेंट केस बताऊं तो मेरी Hyundai की गाड़ी से भी एक वैगनार का एक्सीडेंट हुआ था। किसी गाड़ी को डिफेम नहीं करूंगा, मेरी गाड़ी का सिर्फ बम्पर टूटा था लेकिन सामने वाली गाड़ी का टायर टूट के गिर गया था एक्सल के साथ। बिल्कुल सर। तब मुझे समझ आया कि मैंने सही गाड़ी ली है। नहीं नहीं, Hyundai सेफ्टी को लेके कोई नहीं रखता है। बिल्कुल की सेफ्टी हमेशा आगे ही होनी चाहिए क्योंकि कस्टमर Hyundai का लोब ही है, कस्टमर फर्स्ट। जी जी जी। माइलेज 1-2 किलोमीटर कम दे दो लेकिन आप हमसे सेफ्टी दो भाई। बिल्कुल, सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती Hyundai। बाकी बूट स्पेस क्या दिल रहा है? 391 लीटर का बूट। 391। जी जी। बूट काफी अच्छा है, मैं बूट दिखा देता हूँ। चलो आके देख लेते हैं बूट स्पेस आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप बालकनी में हो ओके से खड़े होकर बूट खोल सकते हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, वन टच वाला है। वन टच वाला है। एंड खास चीज भाई, जैसे खड़े हो ना इसके नीचे, मुझे एक चीज मैंने देखा था कि जैसे भाई की हाइट अगर थोड़ी और ज्यादा हो मतलब कम होती तो उन्हें बंद करने में दिक्कत जाती, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने एक हैंडल भी दिया है जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। बिल्कुल। और बूट में आपको लाइट भी मिल जाती है, लैंप मिल जाता है, रात में कोई भी सामान वगैरह रखते हैं निकालते हैं उसके लिए आपको हेल्पफुल रहता है। 391 लीटर का बूट मिलता है। टायर मेरे ख्याल से एक साइज छोटा मिलता होगा। बिल्कुल, व्हील साइज 14 इंच का। इसमें अलॉय व्हील तो नहीं मिलेगा, नॉर्मल स्टील व्हील्स मिलते होंगे ना। ओके चलो यार, अब इसको ड्राइव करके देखते हैं कि 1.2 में कैसे आपको परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि मैं 1.2 काफी टाइम से यूज कर रहा हूं लेकिन ये BS6 फेज 2 है तो देखते हैं क्या कोई पावर लगा रहा है, क्योंकि माइलेज तो इसमें बड़ा है लेकिन पावर लैग भी बढ़ सकता है। फर्स्ट में तो ठीक है, मेन सेकंड में ही आता है भाई। हाँ थोड़ी सी ऊपर खबर पे भी चला के दिखा दे रहे भाई, मिनी एसयूवी बोल रहे हैं हमारे एंडर्स को तो थोड़ा चेक भी कर लेंगे। बाकी हैंडलिंग तो यार हर बार की तरह अच्छी है। हॉर्न चेंज करने की जरूरत है थोड़ी सी इसमें, क्योंकि मुझे इसका हॉर्न पसंद नहीं है, बाकी तो सब चीजें ही ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यार मैं अपराइट बैठा हुआ हूँ, मुझे बोनट इसका नजर आ रहा है जो चीज मुझे काफी अच्छी लग रही है। बोनट नजर आ रहा है तो थोड़ा सा चलाने में भी कॉन्फिडेंस आता है। बाकी अगर आपने इससे पहले इससे बड़ी गाड़ी नहीं चलाई है ना तो आपको इसमें कोई पावर लैग फील नहीं होगा। सही है, इतनी पावर के साथ आपको जो ये माइलेज दे रही है सही है। नेविगेशन वगैरह आपको क्या बोलते हैं, कंपास मिल रहा है सेंटर में, मुझे देख के नेविगेशन टॉप मॉडल में इनबिल्ट मिलता है। इनबिल्ट आता ना। हाँ। इंडिकेटर करते हैं, लगाते हैं इसको शोरूम में। बाकी मुझे तो गाड़ी यार अच्छी लगी, अगर आपको इस मिनट में गाड़ी चाहिए तो आप ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं तो बोलूंगा सेकंड टॉप जाइए क्योंकि टॉप एंड मॉडल में भी ऑलमोस्ट सेम फीचर मिलते हैं, बस आपको अलॉय व्हील वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, कनेक्टेड कार फीचर मिल जाते हैं, लेकिन सेकंड टॉप आपको काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। बाकी मिलेंगे आप लोगों से एक और शानदार इवेंट के लिए। जय हिंद।